यार ना मंदिर में आने के बाद जिस चीज का डर था वही हुआ। हेलमेट तो चोरी से बच गया लेकिन मनीष का जूता गुम हो गया और रुद्रा का भी। बाबू पूजा कर लिया ना? खाना खाएगा? क्या खाएगा? लड्डू। अभी ना पूजा कर ली है, बोल दो फिर से जय श्री राम। जय श्री राम तो भी चलते हैं नहीं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर अंकित। तो गाइस आ रहा है 9 जनवरी और आज है ट्यूसडे और अभी सुबह के बजे हैं 10:30। तो आज भी मैं जा रहा हूँ पूजा करने महावीर मंदिर यानी कि पटना। तो मनीष को कॉल किया है, उसके घर आज मेरे को जाना होगा क्योंकि कल वो आया था। तो रुद्रा अभी तैयार हो रहा है, तुम भी जाएगा? तो हाय गाइस कर दो एक बार। हाय गाइस। तो अभी ना रुद्रा हो रहा है तैयार, मैं हो चुका हूँ तैयार। तो चलते हुए मनीष के घर उसको रिसीव करते हैं और चलते हैं पटना महावीर मंदिर। चले ना बाबू, एक बार हाय कर दो फिर से। हाय। तो ही चलते हैं पटना। भाई याद ना, हम अभी निकल गए थे घर से, मनीष को भी ले लिए हैं और भाई गाड़ी अभी रोके हैं क्योंकि भाई ना है मफलर पाने की वजह सर में तो पूरा एकदम सर दर्द करने लगा। तो मफलर अभी हटाते हैं हेलमेट से और बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे महावीर मंदिर। चलेगा ना जी? खा के आए कि नहीं? नहीं। और रुद्रा देखो सो गया पीछे बैठे बैठे, तो इसको सोने देते हैं आराम से, वहाँ पहुँचने के बाद इसको भी उठा देंगे। तो अभी के लिए फिलहाल चलते हैं, जाम भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो चलते। यार देख लीजिए, ये है पटना का इस्कॉन टेम्पल जो कि पटना जंक्शन के पास ही में है। तो हमको तो जंक्शन जाना है तो चलते अभी वहाँ। गाइस यार ना, हम तो महावीर मंदिर पहुँच गए हैं, गाड़ी भी लगा दी है लेकिन हेलमेट गाड़ी में छोड़ना पड़ रहा है इधर और एक इधर। अब इसको लेके आए हैं तो हेलमेट छोड़ना ही पड़ेगा। हेलमेट अब चोरी होगा कि क्या होगा वो तो बाद में समझा जाएगा। क्या मनीष, हेलमेट अगर कोई लेके भाग जाएगा तो क्या करेगा? जो होगा तो महादेव मतलब हनुमान जी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ये देखो यहाँ से लुक कुछ ऐसा है मंदिर का। और भाई साहब इतना भीड़ लग रहा ना कि पहले तो हम सोच रहे कि इसके साथ जाएंगे अंदर कैसे। क्या मनीष? और यहाँ ना मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, आज तक कभी नहीं आया हूँ यहाँ। तो अभी एक बार सिनेमैटिक चेक करो और चलते हैं अंदर, भीड़ में कैसे भी पूजा तो करना ही है। हम ना अभी मंदिर के अंदर आ गए हैं, 10-15 मिनट मुशक्कत करने के बाद फूल माला और लड्डू ले लिए हैं और इसको दे दिए। तो मनीष को पकड़ने के लिए बोला कि हमसे होगा नहीं। अभी भी देखो लड्डू और माला के लिए कितना भीड़ इधर है भाई। इस भीड़ में 10-15 मिनट मेहनत करने के बाद इतना लड्डू लिया और माला लिया। क्या मनीष, तुम चला जाएगा भीड़ में? और अभी ना मंदिर के अंदर जाने के लिए उसमें भी भीड़ है। तो अभी ना यार आराम से चलते हैं मंदिर के अंदर और पूजा करते हैं। अभी ना हम मंदिर के अंदर आ गए हैं और काफ़ी लंबा लंबा लाइन लग रहा है। लगेगा लाइन, रोएगा नहीं ना? देख रहे हो भीड़ कितना है। मनीष पूजा कर लेगा ना आज तुम? तो एक बार मंदिर में सिनेमैटिक चेक करो, लाइन लगते हम लोग। गाइस अभी ना हम आ गए हैं अंदर दुर्गा के साथ में और ये देखो मंदिर के अंदर भीड़। तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, पढ़ेगा हनुमान चालीसा। चलो पहले पूजा कर लेते हैं। यार ना अभी हम पूजा कर लिए हैं, पूजा करने के बाद अभी सबसे ऊपर आए हैं, इसको भी बैठा दिए और यहाँ से नीचे करने जा रहा। कुछ ऐसा पूरा दिख रहा है इधर उधर, देख रहे हो कितना भीड़ है ना। रुद्रा पूजा कर लिया है? कैसे किया पूजा बोल दो एक बार। जय श्री राम बोलो। भूख लग गया है तुमको?
इधर इतना सारा एक गाड़ी जो है ना देख के चंगभंगा गया है। क्या मनीष तुम भी चंगभंगा गया गाड़ी देख के? क्या कर रहा है जी हेडफोन लगा के तुम यार? बहुत भीड़ है नीचे, हमको तो लगा कि बहुत टाइम लगेगा लेकिन जल्दी जल्दी कर लिया। नीचे से पूजा करने के बाद आए हैं सबसे ऊपर फोटो क्लिक करवाने के लिए। ये भोंदू का मस्त मस्त फोटो क्लिक कर दिया और इसका भी। बाबू पूजा कर लिया ना? खाना खाएगा? क्या खाएगा? लड्डू। बड़े प्यार से बोल रहा है कि हम लड्डू खाएंगे। इसको लड्डू खिलाते हैं और फिर चलते हैं नीचे, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे फिर चले जाएंगे घर। तो यहाँ से देखो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, पूरा एकदम ऊपर आ गए हैं। गाइस यार ना आप यहाँ आए होंगे तो आपको तो पता ही होगा ये वाला सीन भाई, अगर यहाँ सर बचा कर नहीं निकले ना तो इसमें लगेगा और सीधे नीचे गिर जाएंगे। काफ़ी देख के नीचे आना पड़ता है। अरे तुम बच गया यार। तो अभी चलते हैं यहाँ से, उतरते हैं नीचे, चलेगा ना? अभी जादी नहीं रहा। चलो अभी ना मैं और रुद्रा दोनों बैठ के हनुमान जी का पाठ भी कर लिए हैं। कर लिया ना है? हाँ एक बार बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम। तो अभी ना मनीष देखो ऊपर भाई, इसको बोला कि हमको पढ़ने का मन नहीं है। क्या है जी, चलेगा घर ना? तो अभी ना पूजा कर लिए हैं, बोल दो फिर से जय श्री राम। जय श्री राम। तो अभी चलते हैं नीचे और नीचे जाके सबसे पहले हमारा हेलमेट देखना है, हेलमेट बचा है कि नहीं, तो चलते भी नीचे। यार अभी हम आ गए ऊपर से नीचे, चलते हैं पहले अपना शूज देखते हैं क्योंकि टोकन तो था नहीं। जूता बचा होगा मनीष? जाने दो, अगर नहीं बचा होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, अब जो था वो भगवान के पास ही रह जाएगा, सब तो उन्हीं ने ही दिया है। तभी चलते हैं नीचे और जूता देखते हैं, जूता पहन के चलते हैं घर। यार ना मंदिर में आने के बाद जिस चीज का डर था वही हुआ, हेलमेट तो चोरी से बच गया लेकिन मनीष का जूता गुम हो गया और रुद्रा का भी। मेरा जूता बचा, वो भी नया जूता पहन के आए थे, पूरा काला हो गया, और मनीष और रुद्रा का जूता खो गया ना बाबू, खो गया जूता। तो अभी एक बार बाहर से मंदिर देखो, काफ़ी ऊंचा, काफ़ी भव्य, काफ़ी भीड़ भी था। तो पूजा कर लिए, प्रसाद खाते हैं अब और दम जंक्शन, पटना जंक्शन से उतरो और दम सीधे आ जाओ महावीर मंदिर। तो अभी चलते हैं घर, चलेगा ना कि कुछ खाएगा? तो ये चलते हैं देखते हैं कुछ खाएंगे पियेंगे, यार भूख लग गया और एक बच चुके हैं दोपहर के। क्या हुआ मनीष, नाराज नहीं होने का, चलो जान दो, सब भगवान ने ही दिया था, उन्हीं के पास चला गया। इसका जूता खो गया। गाइस यार ना मैं आ गया हूँ घर महावीर मंदिर से पूजा करके। पूजा करने के बाद अभी देखो लड्डू लेकर आए, भाभी को खिलाएं, वहाँ पे लड्डू रखा हुआ है और सबको भी खिला दिए नीचे, और रुद्रा का दूध वहाँ पे रखा है और दूध पीने रहा है, पानी पी रहा है। काहे जी आते ही मोबाइल में लग गया, बदमाश बच्चा नंगू पंगू है, कहाँ गया था याद है तुमको? बीटा गया था पटना, बोल रहा है कि बीटा। कैसा था लड्डू? खाई टेस्टी था ना? लड्डू ऐसे भी अच्छा। तो अभी ना मनीष चल गया है लाइब्रेरी, स्कूटी दे दी उसको, जिसको जगह है वो लाइब्रेरी। तो हम भी अभी थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं और चलते भी नीचे।